much, Dr. Muhammad Ikram, for organizing this webinar. The topic of my presentation is diabetic food. First of all, I will discuss what is diabetes. Diabetes kya hoti hai? Diabetes is a disease in which blood glucose or blood sugar levels are too high. Jab blood glucose bahut zyada high ho jata hamari body mein, tab jo hai wo hame diabetes hoti hai. अब जो है ये हमारे सेल की सेल तक जितना भी हमारा ग्लूकोज जाता है, द सेल ऑफ योर बॉडी नीड ग्लूकोज फॉर एनर्जी. एनर्जी जो है हमारे सेल को वो ग्लूकोज से मिलती है. एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में इंसुलिन, जो कि हेल्प करता है ग्लूकोज को सेल तक जाने में. इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज. टाइप 1 डायबिटीज में ये होता है कि योर बॉडी डजंट मेक इंसुलिन, आपकी बॉडी इंसुलिन बना नहीं रही. और टाइप 2 डायबिटीज ये होता है कि आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन बना भी नहीं रही और इंसुलिन यूज भी नहीं कर रही सही से. अब जो है जब इंसुलिन सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती, तो जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल्स तक नहीं जाता और सेल्स तक प्रॉपरली कन्वे नहीं होता, और जो है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होना शुरू हो जाता है. अब जैसे कहते हैं कि फूड प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती हैं. फूड प्रॉब्लम्स ऐसे होंगी कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, अगर उसको ट्रीट ना किया जाए, उसकी ट्रीटमेंट ना लिया जाए और शुगर लेवल को कंट्रोल ना किया जाए, तो फिर क्या होता है कि हमारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स जो होती हैं हमारी फीट में, वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं. जब ये डैमेज होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी. डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है जिसकी वजह से जो है हमारी टांगों में नमनेस रहती है, टिंगलिंग होती है, पेन होती है और लॉस ऑफ फीलिंग हो जाती है हमारी फीट में, कि हमें वहां पे कोई सेंसेशन ही फील हो रही होती, क्योंकि हाई ब्लड ग्लूकोज की वजह से जो है वो हमारी सेंसेशंस चली जाती हैं, हमारी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं. और जब नर्व्स डैमेज हो जाए, तो इट मींस कि वहां से सेंसेशन खत्म हो चुकी है. और ये जिन जिन पेशेंट्स की शुगर लेवल जिन पेशेंट्स का बहुत ज्यादा हाई रहता हो और ट्रीटमेंट ना ली जाए, ये उनमें होता है डायबिटिक फूड. अब जो है कि अगर हमें पेन नहीं होती हमारे फूड में और वहां पे कोई कट बन जाता है, ब्लिस्टर बन जाता है या अल्सर बन जाता है, ठीक है, ओपन सोर जिसको हम बोलते हैं, तो अब क्या होता है वहां पे वो एक ब्लिस्टर बन गया. अब वो ब्लिस्टर जो है वो हील नहीं हुआ, ठीक है, उसकी प्रॉपर केयर नहीं की गई. अब वो जो वॉन्ड होता है फिर वो इन्फेक्टेड हो जाता है, क्योंकि वो खुला वॉन्ड होता है. अब खुले वॉन्ड की वजह से जो है वो वहां पे इन्फेक्शन बनता रहता है, बनता रहता है, और वो इन्फेक्शन इतना डीप चला जाता है, हमारे टिश्यू लेवल तक चला जाता है कि हमारी ब्लड वेसल्स और तक जो है वो सप्लाई नहीं सही प्रॉपर पहुंच रही होती, ब्लड फ्लो भी हमारा डिस्टर्ब हो जाता है. अब जब ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होता है, तो क्या होता है कि जो है वो पुअर ब्लड फ्लो की वजह से और इन्फेक्शन की वजह से वो जो सोर है हमारा, वो जो कट है, वो जो ब्लिस्टर है, वो गैंग्रीन की सूरत में आ जाता है. उसको हम गैंग्रीन बोलते हैं कि बहुत ज्यादा खराब हो जाना, मतलब टिश्यू लेवल तक डैमेज हो जाना, नर्व तक डैमेज हो जाना, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि गैंग्रीन बन जाता है, कि मसल, स्किन और अदर टिश्यूज जो है वो जो है वो उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है, वहां पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है. अगर तो आपको गैंग्रीन है और अगर आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो इसमें एक ये भी हमारे पास हल होता है कि हम उस चीज की फिर एम्प्यूटेशन कर देते हैं. एम्प्यूटेशन बोलते हैं उस सर्जरी को, कि हम अब उस पार्ट को अलहदा कर देते हैं, उस फुट को अलहदा कर देते हैं, कि जो है वो इन्फेक्शन आगे की तरफ को ना बढ़े और वहीं पर खत्म हो जाए. ये बहुत सीवियरिटी में होता है कि बहुत सीवियर केस हो चुका है और इसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकेगी. लेकिन अब जैसे कि हम इसकी ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे, हमें इसको क्या करना चाहिए. अगर तो डायबिटिक पेशेंट है, तो हमें तो सबसे पहले जो है वो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना चाहिए. ऐसी मेडिसिन लेनी चाहिए जो हमारे ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखे. हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए, शुगरी आइटम्स नहीं लेनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, बेकरी आइटम्स नहीं यूज करनी चाहिए, अपनी डाइट की तरफ ध्यान देना चाहिए. इसका यही हल है कि हम जो है वो अपने अपने शुगर लेवल को कंट्रोल रखें. अब जो है अगर तो डायबिटिक फूड हो भी जाता है, मोस्टली पेशेंट्स में हो जाता है, लेकिन अब उसकी केयर कैसे करनी है. अब ये है कि गुड केयर फॉर पीपल विद
डायबिटीज इंक्लूड, कि क्या क्या जो है वो ऑप्शंस इंक्लूड हैं, कि किस तरह जो है वो पेशेंट अपनी फूड की केयर कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि वो अपनी अपना फीट रोज चेक करे कि वहां पे कोई कट तो नहीं बना, रेडनेस तो नहीं हुई, या स्किन चेंजेस तो नहीं आ रहे। अपने टो नेल्स को चेक करे, ठीक है, कि वो खराब तो नहीं हुए नेल्स। फिर जो है नेक्स्ट स्टेप ये है कि वो अपने फीट को रोज वॉश करे, अगर तो उसको कोई ऐसा लगता है कि हो जाएगा, या कोई ऐसा सिम्टम उसको शो होता है, कोई स्किन चेंजेस आ रहे हैं उसमें, तो वो अपने सोप फीट को जो है वो वॉश रखे वार्म वाटर के साथ, ताकि जो है वो इन्फेक्शन बढ़ ना पाए आगे। उसके बाद जो है हमें पेशेंट को रिकमेंड करना चाहिए कि हमेशा जो है वो वेल फिटिंग शूज पहने चाहिए उसको, और सॉक्स पहने चाहिए, क्या ताकि उसका फीट जो है वो प्रोटेक्ट हो सके, जब वो चले तो अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से जो है उसका फीट प्रोटेक्ट हो सके, कोई भी जर्म्स कोई भी अदर बैक्टीरियाज जो है उस वॉन्ड में ना आए, ताकि इन्फेक्शन बढ़ ना जाए। और नेक्स्ट स्टेप ये है कि प्रोटेक्टिंग योर फीट फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, मतलब बहुत ज्यादा सन की तरफ एक्सपोज नहीं करना उस स्किन को, या बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं करना उस स्किन को। कोल्ड वेदर में हम उसको वार्म सॉक्स से गर्म रखेंगे, और हॉट वेदर में जो है वो हम उसको सनलाइट की तरफ इतना एक्सपोज नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम उसको ये बताएंगे कि कीपिंग द ब्लड फ्लोइंग इन योर फीट, जब भी वो बैठे तो वो ज्यादा देर टांगे नीचे करके ना बैठे, बल्कि अपने जो है फीट्स को ऊपर करके बैठे, ताकि जो है वो ब्लड फ्लो ठीक रहे। जैसे जैसे ब्लड फ्लो ठीक रहेगा, उसकी वेसल्स, उसके उसके टिश्यूज, उसके मसल्स वो इंटैक्ट रहेंगे, मतलब वो डैमेज नहीं होंगे अगर ब्लड फ्लो वहां पे ठीक रहता है। जैसे ब्लड फ्लो खराब होगा उस वॉन्ड में, तो वो वॉन्ड इन्फेक्शियस हो जाएगा और वहां पे गैंग्रीन हो जाएगी। और नेक्स्ट जो है कि गेटिंग योर फीट चेक एट योर हेल्थ केयर विजिट, अगर वो कोई हेल्थ केयर से ट्रीटमेंट ले रहा है तो वो उसको विजिट करना चाहिए वीक में 2-3 दफा, और अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखना चाहिए कि वो कोई भी ऐसे जो है वो ज्यादा इन्फेक्शन इन्फेक्शन इंक्रीज ना हो। और नेक्स्ट जो है कि उसको ट्रिमिंग करनी चाहिए अपनी टो नेल्स की, अगर जरा सा भी उसका नाखून खराब होता है, जैसे हम मोस्टली डायबिटिक पेशेंट्स में देखते हैं कि नाखून खराब होने शुरू हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उसको ये चाहिए कि उसको फौरन से ट्रिम कर दे वहां से जहां से वो खराब हो, ताकि वो इन्फेक्शन आगे ना बढ़े। तो ये इसकी सेफ्टी के लिए मायर्स हैं। बाकी जो है हमारे पास डायबिटॉन है, ज़ियाबीत्स है शफ की, डायबिटॉन है ये हमदर्द की, इनको हम यूज कर सकते हैं अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखने के लिए। तो इसका यही हल है कि जैसे ही अपने ब्लड शुगर लेवल्स को हम कंट्रोल रखेंगे, वैसे ही जो है हमारा डायबिटिक फूड नहीं होगा, और हम इस चीज से बच जाएंगे। मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया, थैंक यू सो मच, होप सो आप सबको